तो आइए पहले नौकर से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, बड़ी बेइज्जती हो रही है, ऐसा लग रहा हम बादशाह बने बैठे हैं। जी नहीं, अल्लाह ने आपके मातहत जिसको रखा है, चाहे घर के अंदर औरत रहे, आपकी बीवी, आपके बाल बच्चे, जो भी, सबका ख्याल रखना जरूरी है, कल क्यामत के दिन पूछा जाएगा। वक्त जब हो जाए तनख्वाह दे देना, क्योंकि उसके माँ बाप इंतजार में होंगे या उनको कहीं भेजना होगा। लेकिन लोग कई कई महीना तक रोके हुए हैं। हदीस के अंदर क्या आया, सुनन इब्न माजा किताब रुहून किताब नंबर 16 हदीस नंबर 2443 2443 आतुल अजीर अजरहु कबल अन यजिफ अरकु। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो अपने मजदूर की मजदूरी दे दो पसीना सूखने से पहले। लेकिन मैं मजदूरों से भी अपील करता हूं कि क्या आपने काम पसीना वाला किया है क्या? अब ऐसा नहीं सेठ साहब रहे तो मन लगा के कर रहे हैं और सेठ साहब चले गए तो खत्म, आराम से आजाद हो गए। जी नहीं, पसीना वाला काम कीजिए तो पसीना सूखने से पहले मिल जाएगा, ख्याल रखना जरूरी है। इस हदीस की अहमियत पर एक जगह कई लोग मुसलमान हो गए, इस हदीस पर एक साहब ने अमल किया। कहा जाता है चेन्नई का वाकया, एक कंपनी के अंदर सेठ साहब हर महीने तनख्वाह मिल रही है, वो जो दूसरे थे मुसलमान नहीं थे काम कर रहे हैं, हर महीने 30 तारीख को या महीने के शुरू में 5 तारीख को तनख्वाह मिल रही, पहले नहीं मिलती थी। क्यों? असल में मैंने एक हदीस सुनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सेठ ने कहा कि पसीना सूखने से पहले दे दो, मैं उसी हदीस पर अमल कर रहा हूं। आज अपने यहां चल रहा लेबर डे, अरे हर लेबर को पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाए, लेबर डे मनाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने यह सोचा जो जितने गैर मुस्लिम थे काम करने वाले, आज से 1400 साल पहले जिस इंसान को हम गरीबों की फिक्र थी कि उसने इतने ताकीद की है कि भाई तनख्वाह दे दो, फिक्र करो, तो वो आदमी कैसा रहा होगा, कितनी फिक्र रही होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सिर्फ एक हदीस पर अमल। इसलिए मेरे भाइयों, मामलात, अब देखिए सेठ साहब का मामला नौकरों के साथ कितना प्यारा है, काश हम और आप भी ऐसे असर अंदाज होने वाले हो जाए, अपनी छाप लोगों के ऊपर छोड़ दें।